बिहार पुलिस में फिर से एक बार नई और बड़ी भर्ती देखी जाएगी, इसका इंतजार भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं जो कि 21,391 पद को भरे हैं या नहीं भरे हैं। एक और नई वैकेंसी आप लोग के लिए आने वाली है, उसमें कुछ बदलाव भी मिलेगा। उसका तैयारी कैसे करना है, कब आ रहा है वैकेंसी, क्या होगा अप्लाई डेट, आइए इस वीडियो में आसानी से हम लोग समझते हैं। मतलब कि 2-3 साल 4 साल 5 साल वैकेंसी बिहार पुलिस में दिया ही नहीं जाएगा या बिहार दरोगा में ही नहीं दिया जाएगा, इस क्यों? क्योंकि एक बार होता है कि एक बार दौर बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती आ रही है उसका सिलेबस क्या होगा और इस सिलेबस को पूरा करने के लिए क्या हमें क्लास करना पड़ेगा या बिना क्लास किए भी हम बिहार पुलिस को क्वालिफाई कर सकते हैं, ये सभी बिंदु पे डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको हम देने वाले हैं कि 2024 में आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी कि बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती आएगी, जिसका बेसब्री से इंतजार बहुत सारे लड़के भी कर रहे हैं और लड़कियां भी कर रही है। क्योंकि आपको पता है लड़के और लड़के इस बार कंधा मिला करके बिहार पुलिस में चल रहे हैं, लड़के से ज़्यादा लड़कियाँ तैयारी कर रही है। फील्ड में आप जा करके देखिए, पढ़ाई के क्षेत्र में आप जा करके देखिए, कोचिंग क्लास में आप जा करके देखिए, जितना मन से वो तैयारी कर रही है वहां तक तैयारी कर रही है, उसको घर से निकलने का छूट भी नहीं मिलता है। लेकिन अपने जिम्मेदारी को समझते हुए, अपने ऊपर बोझ को समझते हुए वो बाहर निकलती है और बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या किसी भी एग्जाम को वो क्वालिफाई करके दिखाती है। लड़के थोड़ा सा पीछे नजर होते हुए हमको दिख रहे हैं, लेकिन इस बार की इस वैकेंसी को नहीं छोड़ना है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार पुलिस का वैकेंसी हर साल नहीं आता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एक साल आपको बिहार पुलिस का वैकेंसी दिया जाएगा। लेकिन जब दिया जा रहा है, इसका फायदा आप नहीं उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको पछतावा पड़ेगा। और बहुत सारे लोग इसलिए भी खुश हैं क्योंकि उनका 21,391 पोस्ट वाला जो है वो गड़बड़ाते हुए नजर आ रहा है, या इसका तैयारी वो अच्छा से नहीं कर पाए होंगे, या सोच रहे होंगे कि इसमें कंपटीशन ज्यादा है तो आप फाइट नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वैकेंसी कब निकलेगा 2024 में, ये हमको बताइए, और कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, कितना क्लास कोचिंग करना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट में बदलाव होगा, कौन सा सब्जेक्ट आसान होगा, क्या उसका पैटर्न होगा, ये सब हमको बता दीजिए ताकि उस वैकेंसी को हम नहीं छोड़ें। और इतने कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि 21,391 पद में भी कंफर्म कर दिए कि एक सीट हम ले लेंगे या नेक्स्ट वैकेंसी जो निकलेगा उसमें भी हम एक सीट पक्का ले लेंगे, मतलब 2023 से लेकर के 2024 के बीच में एक जॉब हमको लेना है। तो कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि नीचे कमेंट करिए कि 2024 में हमको जॉब लेना है, चाहे वो कोई भी सरकारी नौकरी हो, अगर वो बिहार पुलिस का होगा तो नीचे जरूर कमेंट करिए कि हमको 2024 में बिहार पुलिस लेना है। हम देखते हैं कितने लोग इसके लिए एक्टिव है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं आपकी वैकेंसी पे। देखिए, सिपाही यानी कि कांस्टेबल का पद निकलने वाला है बिहार पुलिस में। जैसा कि आपको बताया कि हर एक साल ये नहीं निकलता है, निकल रहा है तो फायदा उठा लीजिए। नया इसका फॉर्म कब आने वाला है, टोटल पद कितना होने वाला है, और नए जितने भी लड़की लड़कियां हैं, देखिए भराएगा इसमें फॉर्म इस बार और भी ज्यादा। आपको देखा गया 21,391 पद में देखे ना, आपके लगभग 19 लाख फॉर्म गिरा। अब इसमें देखिएगा कि 2-3 लाख और फॉर्म बढ़ने ही वाला है गिरने के लिए, क्योंकि हर एक साल लोग इंटर मतलब क्वालिफाई कर रहे हैं, मैट्रिक दे रहे हैं, इंटर दे रहे हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां नया आ रहे हैं, मतलब पहली बार बिहार पुलिस को भरेंगे। एज तो लिमिट है लेकिन नए नए लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसमें भी बहुत सारा लोग होगा जो मतलब वीडियो को देख रहा होगा, तो वो नया लोग होगा, मतलब पहली बार बिहार पुलिस का देगा, अभी उसका एज पूरा नहीं हुआ होगा। वो देगा कब, तो ये जो 20,000 लगभग निकलने वाला है ना वैकेंसी, 19,469 2024 में, उसको देगा। हो सकता है वो 21,391 नहीं भरा होगा इसके पिछले भर्ती। तो 2024 में जो नया आएगा उसमें बहुत सारे नए लोग भी आएंगे, इसलिए आप लोग का फॉर्म का जो है फिलअप जितना होता है उससे 2-3 लाख बढ़ने ही वाला है, तो कंपटीशन तो बढ़ते ही रहेगा। तो जितने भी नए लड़की लड़की हैं, मतलब लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा एज लिमिट है, मतलब 18 से लेकर 25 तक के युवाओं को जो जनरल और ईडब्ल्यूएस से संबंध रखते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उनके लिए 18 से 25 तक के रखा जाता है बिहार पुलिस के एग्जाम में, बिहार पुलिस सिपाही के एग्जाम में। और बीसी ईबीसी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो 18 से लेकर 28 यानी कि 3 साल का आपको क्या मिलता है, छूट मिलता है। एससी एसटी के जितने भी लोग हैं उनके लिए 18 से 30 यानी कि आपको कितना साल का छूट मिलता है, तो 5 साल का छूट मिलता है, ये आपका रखा जाएगा। और एज काउंट कब से लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा एज काउंट से मिला जरूर लीजिएगा कि 1 जनवरी 2024 अगर ये वैकेंसी अगस्त से पहले आता, और बताते हैं कब आने का संभावना है, 1 जनवरी 2024 से आपका एज काउंट रखा जाएगा अगर ये अगस्त से पहले आता है तब। अब बात करते हैं हम कि न्यू जो फॉर्म आएगा उसका फी कितना लेगा, तो वही फी 675 रुपया जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट के जितने भी लोग भरेंगे, मतलब बिहार राज्य का अगर आपका आवासीय है तब तो
आपका कैटेगरी के अनुसार डिसाइड होगा। अगर आप अदर अन्य किसी भी स्टेट से, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपको जनरल के रूप में यहाँ देखा जाएगा, ठीक है। तो 675 रुपया लगेगा, और एससी एसटी के जितने भी कैंडिडेट होंगे, जितने भी लड़के और लड़कियाँ होंगे, उनके लिए 180 रुपया लगने वाला है इसमें फी, जो कि फॉर्म फी के नाम पर होता है, ठीक है, ये समझ गए। और यहाँ पे थोड़ा सा आप ये बात करते हैं कि बिहार पुलिस कैसा जॉब है, क्योंकि थोड़ा सा आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को। बिहार पुलिस कैसा जॉब है, देखिए यहाँ पे आपको फिगर लग करके आ रहा होगा, ये है आपका बिहार पुलिस। अब इसमें आप देखेंगे ना कि अभी जो नया बहाली है ना, बहुत नए नए यंग लड़के जा रहे हैं, और बहुत सारा पुलिस आपके नज़र में भी आता होगा। पुलिस का संख्या जो है बढ़ाया जा रहा है बिहार में, नीतीश कुमार का ही ऑर्डर है कि पुलिस का संख्या बहुत ज़्यादा, पुलिस इतना हो जाए। और देखिए मद निषेध का अलग अलग पुलिस, मतलब हर एक विभाग में पुलिस का संख्या, दरोगा का संख्या बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा है, पिछले 5-6 साल में इतना दरोगा का और पुलिस का बहाली निकाला गया, जिससे हर एक मतलब फुलफिल हो रहा है, और अभी भी बाकी है, ऐसा नहीं कि पूरा फुल हो गया है, अभी भी और वैकेंसी आना है बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में। और हो सकता है कि, हमको ऐसा लगता है कि 2-3 साल बाद वैकेंसी थोड़ा देर के लिए रोक दिया जाएगा, मतलब कि 2-3 साल 4 साल 5 साल वैकेंसी बिहार पुलिस में दिया ही नहीं जाएगा, या बिहार दरोगा में ही नहीं दिया जाएगा। इस क्यों, क्योंकि एक बार होता है कि एक बार दौर चलता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। यही बिहार पुलिस का वैकेंसी आज से 8 साल पहले देखते आप तो बिल्कुल आता ही नहीं था, मतलब 4 साल पर 5 साल पर कोई तैयारी भी इसका नहीं करता था, लेकिन अब लगातार तैयारी आप भी कर रहे हैं, और आपके साथ साथ आपके दोस्त भी कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि लगातार वैकेंसी आ रहा है। कोई ये पूछता हर साल, तो हर साल वैकेंसी बिहार पुलिस का नहीं दिया जाता, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। जैसे SSDD है आपका, SSC का वैकेंसी, ऐसा कुछ रूल BPSC है, ऐसा कुछ रूल इसमें नहीं है, ठीक है। तो बिहार पुलिस कैसा जॉब है, तो बिहार पुलिस अगर हम माने तो एक स्टेट लेवल का अच्छा खासा जॉब है, जहां पे आपको सैलरी कितना मिलता है, तो 30 से 32 हज़ार सैलरी आपका शुरुआती, मतलब DA जोड़ करके आपका जो भी शुरुआती, आपका बेसिक पे जोड़ करके शुरुआती सैलरी आपको 30 से 32 हज़ार रुपये दिया जाता है, जो कि आप अगर ज्वाइन करते हैं, जैसे कि आपका होता है ना कि सब प्रोसेस हो गया, मेरिट लिस्ट बन गया, और आप जब ज्वाइन करते हैं ट्रेनिंग पीरियड में, उसी टाइम में आपका इतना सैलरी मिलता है, और ये सैलरी हर साल इंक्रीमेंट के द्वारा बढ़ाया भी जाता है। तो पुलिस का काम क्या होता है, तो बिहार में होने वाले जितने भी गैर कानूनी काम है उसमें आपका भागीदारी, मतलब आप उसमें उसको सही करते हैं, भागीदार तो नहीं बनते हैं, आप उसको सही करते हैं, उसको सुधारते हैं, और जगह जगह पे जहां भी गलत काम हो रहा है उसको रोकने का प्रयास, कोई आपके पास आता है, कोई आप किसी के पास जाते हैं, जैसे कि बहुत सारा रिपोर्ट थाना में लिखना होता है, बहुत सारा रिपोर्ट आप जाकर के लिखते हैं, आप दरोगा के अंडर में रहते हैं, आप काम करते हैं उसके लिए, है ना। तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब इसमें होता नहीं, दरोगा को इससे ज्यादा दिमाग खराब करना पड़ता है, बिहार दरोगा का दिमाग खराब इससे ज्यादा होता है, क्योंकि उसके अंडर में 5 पुलिस है 4 पुलिस है, तो उसको देख रेख करना, वो कहाँ कब जा रहा है, क्या कर देगा, किसको बोल देगा, किसको मार बैठेगा, तो ये सब देखना होता है दरोगा को। इसलिए पुलिस बेफिक्र होता है, टेंशन फ्री होता है, और बहुत सारे पुलिस में जाने के बाद कई जगह वो बॉडीगार्ड का भी काम करते हैं, जैसे कि होता है ना बड़े बड़े लोग का बॉडीगार्ड भी आपको दिया जाता है, जैसे नेता मंत्री हो गया, चाहे आपका जज हो गया कोर्ट का, ऐसा होता है ना, बहुत जगह आपको बॉडीगार्ड की तरह भी तैनात कर दिया जाता है बिहार पुलिस को। तो इसका बहुत क्षेत्र है, कुछ लोग खिलाड़ी के तौर पर भी रख लिए जाते हैं। तो बिहार पुलिस एक बेहतरीन जॉब है, जो कि लड़की के लिए भी है, लड़का के लिए भी है, स्टेट लेवल का, और बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है, जैसे कि अब CRPF है, BSF है ना, आपका ITBP है, ये सब बहुत रिस्की जॉब है, यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिहार पुलिस में वैसा कोई रिस्क है नहीं, बहुत कम है। अब पुलिस है तो थोड़ा सा तो आपका बंधन है, अब बंधन से बाहर जाते हैं तो आपको दिक्कत तो होगा ही, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये बिहार पुलिस का थोड़ा सा परिभाषा दी है, जिसमें हम देखते हैं कि नए जो भी नौजवान जा रहे हैं वो सिस्टम को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और घूस वगैरह कम ले रहे हैं, ये अच्छा चीज़ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम कि इसमें इसका ये सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, मतलब कि आप जब ये फॉर्म आएगा, जो नया फॉर्म आपका 2024 में देखा जाना है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसमें आप जो फॉर्म भरेंगे, सबसे पहले आपका फॉर्म भरने के बाद रिटन टेस्ट लिया जाएगा, मतलब लिखित परीक्षा कराया जाएगा। और लिखित परीक्षा कहाँ, लिखित परीक्षा ये सिलेबस पर, जहां पे आप देखेंगे 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा लिखित परीक्षा में। ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप आपका लिखित परीक्षा होगा, लेकिन इसके अनुसार मेरिट नहीं बनेगा आप लोग का। तो टोटल क्वेश्चन आपका 100 पूछा जाएगा, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल टाइम आप लोग को 2 घंटा का दिया जाएगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग आपका, अभी तक तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अभी तक निगेटिव मार्किंग का चर्चा बिहार पुलिस में नहीं है, लेकिन आगे आने वाले भर्ती में ऐसा हम सुन रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग दे सकता है, थोड़ा सा कंपटीशन टफ करने के लिए। देखिए अब क्यों दे सकता है, क्योंकि बिहार पुलिस हमेशा अपना प्रकृति को चेंज करते रहा है। अभी से 8 साल पहले आप 10 साल पहले जाइएगा तो बिहार पुलिस में पहले रिटर्न होता ही नहीं था, फिजिकल पहले होता था, ठीक है। फिजिकल के अनुसार, मतलब फिजिकल इंपॉर्टेंट था और फिजिकल सबसे फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में आपका रिटर्न होता था। तो अब क्या किया टफ करने के लिए, सबसे पहले आपका रिटर्न कर दिया, सेकंड नंबर में फिजिकल कर दिया, तो थोड़ा सा टफ हो गया, क्योंकि दौड़ने वाले लोग अच्छा से पढ़ेंगे नहीं और पढ़ने वाले अच्छा से दौड़ेंगे नहीं, तो यहाँ पर दिक्कत कर दिया। इसलिए आपको हम बता रहे हैं
और पहले कट ऑफ भी कम जाता था, मतलब पहले अगर दौड़ कर दिया है तो दौड़ने वाले लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं और सेकंड में रिटर्न है तो उसमें कट ऑफ भी बहुत कम जाता था, ठीक है, इसलिए आप बदल करके हार्ड कर दिया। इसी तरह से आप आगे देखेंगे जिस तरह से वैकेंसी ज़्यादा आ रहा है और वैकेंसी ज़्यादा फॉर्म फिलअप भी हो रहा है, उसी प्रकार से निगेटिव मार्किंग का होने का संभावना है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये जो 20,000 पोस्ट आने वाला है इसी में हो जाएगा, 2024 में जो नया वैकेंसी आने वाला है उसी में हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आगे हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। टफ करने के लिए एग्जाम आपका ऑफलाइन लिया जाता है, ये अभी तक ऑफलाइन ही लिया जाने का संभावना है, 2024 के भी, मतलब 2024 का जो वैकेंसी आएगा उसमें भी। अब सिलेबस क्या होगा? अच्छा, इसके लिए तैयारी कैसे करेंगे? क्लास कोचिंग करना जरूरी है। देखिए, सामान्य ज्ञान और विज्ञान, मतलब कि जीके और जीएस से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जीके जीएस क्या है? जहाँ पे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को पढ़े होंगे 10th क्लास में, ऐसा क्वेश्चन भी आपका 10th लेवल का ही पूछा जाता है, हमेशा बोलता है, ठीक है, 10th लेवल का क्वेश्चन। जहाँ पे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़े होंगे 10th में, वही सबसे क्वेश्चन आपका आएगा, अदिश राशि सदिश राशि से क्वेश्चन आने वाला, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल घर्षण बल यही सब। जीके जो कि हिस्ट्री होगी आपका, जनरल कंपटीशन में जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास मध्यकालीन आधुनिक, जो भी चैप्टर जीके में है इंपॉर्टेंट, ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछेगा, ज्योग्राफी से पूछेगा और पॉलिटिक्स से पूछेगा, इकोनॉमिक्स से ज़्यादा नहीं पूछेगा और विविध से भी कुछ क्वेश्चन देगा, और साथ में 5-6 करंट अफेयर्स भी इसमें ऐड करने का रूल बन रहा है, जैसा कि न्यू वैकेंसी से देखा जा रहा है, ठीक है, तो करंट अफेयर्स भी महत्वपूर्ण है। इसमें 70 से 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब सामान्य ज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इकोनॉमिक्स और विविध को मिला के, और यहाँ पे देखेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी को मिला करके, आपका 70 से 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। अच्छा, इसके लिए तो आपको हम बता भी चुके हैं, इस बार जो आप प्रयोग किए किसके लिए, 21,391 पद के लिए जो आपको हम गाइड बताए, इसको बहुत सारे लोग परचेज किए और पढ़े, इसी गाइड को आपको रखे रहना है, फाड़ के फेंकना नहीं है, रखे रहना है ताकि यही आपका काम देगा, और जो लोग नहीं लिए हैं वो अभी ले लेंगे, ठीक है, ये इस वैकेंसी में भी अगले वैकेंसी में भी काफ़ी बेहतरीन कॉन्टेंट इसमें दिया गया है, जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही उपयोगी है, पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट बनेगा और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है आप नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। 21,391 पद तो हो ही जाएगा इसका एग्जाम, ठीक है, इसका एग्जाम हो जाएगा, और नेक्स्ट वैकेंसी जो 2024 में आने वाला है इसके लिए भी आप इस गाइड से तैयारी कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, और भी कोई नया बुक आएगा तो आपको हम सजेस्ट कर देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ज़्यादा बुक खरीदने का जरूरत नहीं पड़े, आप इसको ले लीजिए और आराम से अभी से पढ़ते रहिए, अगर 2024 का आप न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो ये काफ़ी बेस्ट बुक होगा आप लोग के लिए, और जैसे ही आप इसको खत्म कर लेंगे तो आपको ये प्रैक्टिस सेट भी हम फिर से सजेस्ट कर देंगे 2024 के लिए, कौन सा कैसे लगाना है, मतलब उसको खत्म करेंगे फिर ये भी आपको लगाना होगा। अगर अभी से तैयारी और बेहतरीन करना चाहते हैं तो अभी ये मंगा सकते हैं। क्या करेंगे हम कि दोनों बुक का, मतलब वो गाइड का और ये प्रैक्टिस सेट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे देंगे, ठीक है, अगर किसी को जरूरत है तो वो मंगा करके अभी से ही लगाना शुरू कर दिए, बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। और हिंदी से भी क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजी से भी क्वेश्चन आएगा, 15 क्वेश्चन मिला करके आएगा, और फिर गणित यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन ही आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 2 क्वेश्चन रीजनिंग का भी आपको लगेगा, रीजनिंग का है। तो ये आपका सिलेबस होगा जो कि कुछ इस पैटर्न के अनुसार और इस सिलेबस के अनुसार आप लोग को तैयारी करना है। अब क्लास करना है कि नहीं करना है ये बताइए। देखिए, क्लास करना आप पे डिपेंड करता है कि आपका जीएस मजबूत है या जीके, मतलब जीएस मजबूत है या जीके मजबूत है। अगर आपका जीके पे कमांड अच्छा खासा है तो जीएस का आप सेट प्रैक्टिस पकड़ लीजिए, मतलब सेट चलता है, बहुत संस्थान में सेट चलता है, या आपका दोनों कमजोर है तो दोनों का आप सेट 100 क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन का पकड़ लीजिए और लगातार लगाते रहिए। और बुक वगैरह हम सब बता दिए हैं जीके जीएस के लिए कौन सा बुक अच्छा है, और गाइड में भी काफी बेहतरीन कॉन्टेंट दिया गया है, इसको भी पढ़ करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन साइड से सेट प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब हिंदी अंग्रेजी के लिए आपको क्लास पकड़ने का जरूरत नहीं है, ये नहीं कि आप हिंदी का क्लास पकड़ लेंगे अंग्रेजी का, हिंदी तो हम बता दिए कौन कौन सा टॉपिक से प्रश्न आता है, ठीक है, वो सब हम बता चुके हैं, वो आप देखिएगा तो खुद भी समझ जाइएगा। आप देखिए यहाँ पे थंबनेल भी लग करके आ रहा होगा, इसमें बता दिया कि हिंदी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, बिहार पुलिस में पूछा जाता है, इसको देखिएगा। अब गणित के लिए आपको क्लास पकड़ने का कोई भी जरूरत नहीं है 10 क्वेश्चन के लिए, क्लास अगर पकड़ना है, अगर नहीं समझ बनता है तो जीके और जीएस का पकड़िए, लड़की को दिक्कत है वो भी पकड़ सकती है, लड़का को दिक्कत है वो भी पकड़ सकता है, जिसका जो कमजोर है उस पर ज़्यादा सेट प्रैक्टिस और ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत है, क्योंकि यही दोनों ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका यहाँ पे बिहार पुलिस में रिजल्ट करा सकता है। 70 से 75 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के साथ साथ, तो करंट अफेयर्स अभी पढ़ना नहीं है, वो बाद में पढ़िएगा। तो क्लास का बता दिए हम, और इसमें मतलब फिजिकल भी होता है, फिजिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर आपका मेरिट बनता है, हाइट हो गया आपका, चेस्ट हो गया, रनिंग हो गया, गोला फेंक हो गया,
ऊंची कूद हो गया, लंबी कूद हो गया, ये पूरे प्रकार से आपका क्या होता है कि आपका फिजिकल लिया जाता है। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि हाइट आपका कितना मांगा जाता है जनरल AWS OBC के लिए, SC ST के लिए। चेस्ट देख सकते हैं आप वहीं पे, रनिंग को भी आप देख सकते हैं कितना मांगा जाता है रनिंग सबके लिए। गोला फेंक देख सकते हैं आप लोग कितना मांगा जाता है, ऊंची कूद देख सकते हैं, लंबी कूद देख सकते हैं, सबका स्क्रीनशॉट हम लगा दिए। इसको रोक करके आप पढ़ सकते थे कि कहां पे कितना मांगा जा रहा है। तो ये आपका हो गया फिजिकल से संबंधित जानकारी। फिजिकल क्या होगा, फिजिकल में जितना ज्यादा नंबर लाइएगा ना उसके अनुसार आपका मेरिट लिस्ट बना जाता है। यानी कि सबसे पहले रिटेन हो गया आपका, फिर फिजिकल लिया जाएगा, यही फिजिकल जो भी हम बताए, उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, फिर मेडिकल बनाया जाएगा, और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। और मेरिट लिस्ट जो होगा वो आपका फिजिकल के अनुसार ही होगा, ठीक है। तो इसको तैयार करना है, ये सब तैयार हो जाएगा, बशर्ते कि आप अगर तैयार होते हैं तब, कि इसका वैकेंसी कब आएगा, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा कि इसका वैकेंसी कब आने का संभावना। देखिए थोड़ा सा लेट तो कर ही दिया है ना, ये 21,391 पद जो है ये दिमाग खराब करके रख दिया है, इसको एग्जाम लिया नहीं जा रहा है, एग्जाम लेता भी है तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद दिसंबर में इसका एग्जाम होने का संभावना था वो भी नहीं हुआ, जनवरी में बहुत कम संभावना बन रहा है कि इसका एग्जाम हो पाएगा, अगर जनवरी में नहीं हो पाया तो फिर 2-3 महीना और इसका एग्जाम टल जाना है 21,391 पद के लिए। तो इसके कारण इस वैकेंसी पे असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर ये वैकेंसी अक्टूबर में पूरा हो जाता है इसका रिटर्न प्रक्रिया, तो आप देखते हैं कि आपके लिए नया वैकेंसी जो है बिहार पुलिस में वो ला दिया जाता आपका कब, तो जनवरी में ही आपका आ जाता, 2024 के जनवरी में, मतलब नया साल में नया खुशखबरी आप लोग को मिल जाता। लेकिन ये क्या गड़बड़ कर दिया कि ये एग्जाम ही सही ढंग से नहीं ले पा रहा है, एक बार में एग्जाम ही नहीं ले पा रहा है, लिया भी तो कैंसिल कर दिया और फिर डेट नहीं दे पा रहा है। तो जनवरी में बहुत कम संभावना, अगर ये जनवरी में ले लिया तो लगभग समझिएगा जून जुलाई तक आपका ये वैकेंसी टल जाएगा, जून जुलाई में ये वैकेंसी आप लोग का 2024 का आ जाएगा, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस और पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। अगर ये वैकेंसी नहीं हो पाया जनवरी में, फरवरी में भी नहीं हो पाया 21,391 पद, मार्च में भी नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत है ना, फरवरी में आपका बोर्ड वगैरह का एग्जाम है, उसके बाद मार्च में आपका क्या है कि चुनाव का तैयारी हो जाएगा शुरू, आचार संहिता लग जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा सब कुछ में। तो टलने के बाद ये वैकेंसी और भी टल सकता है, और जनवरी में एक वैकेंसी का और लोड है बिहार SSC 10+2 का, उसका भी लोड है। देखिए दोनों में से कौन पहले होता है, हमें तो लगता है बिहार पुलिस पहले होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई सूचना आयोग की तरफ से ज़्यादा नहीं दिया जा रहा, बहुत कम सूचना ऐसा आ रहा है जिसे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये जो नया वैकेंसी होगा 2024 का सिपाही पद के लिए, वो अगर आपका ये जनवरी में हो गया ये पहला पर, ये जो अभी 21,391 पद है, तब वो जून जुलाई तक आपका देख लिया जाएगा, नहीं तो आपका अगस्त सितंबर तक भी वैकेंसी आ सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अगर तैयारी करते हैं तो 6 महीना कम से कम तैयारी करने में लगता है ना जी, तो 6 महीना तैयारी करिएगा, कहीं भी क्लास कोचिंग करिएगा, ऐसा थोड़ी है कि सामान्य ज्ञान का क्लास पकड़िएगा, विज्ञान का पकड़िएगा तो एक ही महीना में खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा, तभी बिहार पुलिस निकलेगा, हवा में तीर लगाने से बिहार पुलिस नहीं निकलेगा, थोड़ा दिन मेहनत खोजता है। 6 महीना कम से कम जो गाइड बताए हैं, जो प्रैक्टिस सेट हम बताए हैं, उसको पढ़िएगा तब निकलेगा ना, तो पढ़ने के बाद आपका जरूर निकल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 6 महीना कम से कम आप लोग इसका तैयारी करिए, और वैकेंसी आए तो कन्फर्म कर दीजिए। जितने भी नए लोग देख रहे हैं ना, नया लड़का जो देख रहा होगा, जो नया इंटर किया होगा, चाहे इस पहली बार भरेगा या दूसरा बार भी भरेगा, तो एकदम कन्फर्म कर दो कि इस बार हम बिहार पुलिस ले लेंगे, चाहे 6 महीना बाद हो, 7 महीना बाद हो, 8 महीना बाद हो, इस बार एक जॉब हम ले लेंगे उसमें, चाहे सीट कितना भी हो, 5,000 हो, 10,000 हो, या 19,000 हो, या 20,000 हो, ये कन्फर्म कर दो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमसे जुड़ करके रहना पड़ेगा, जब भी कोई नोटिफिकेशन देंगे आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आपके पास पहुंच जा सके, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक, किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।